दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ईएमआई पे सामान परचेस करने से लोगों की लाइफ काफी आसान हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है उस परिस्थिति में हम अपनी जरूरत का सामान आसानी से आसान ईएमआई में पे करके ले सकते हैं। और आजकल हर मर्चेंट आपको ईएमआई में पेमेंट करने की सुविधा देता है, चाहे बजाज की ऑफलाइन स्टोर हो, ऑनलाइन स्टोर हो, या फिर कोई और मर्चेंट हो। बजाज ईएमआई कार्ड की मदद से आप किसी और मर्चेंट पर भी ईएमआई पर कोई भी सामान आसानी से ले सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो 2020 के फरवरी से लेके जुलाई 2021 तक ईएमआई ट्रांजेक्शन में 220% की बढ़ोतरी आई है। लेकिन ईएमआई पे सामान लेना तो काफी आसान है, क्योंकि उस टाइम पे हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन टाइमली हर मंथ अपनी ईएमआई को पे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है और आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइमली अपनी ईएमआई को पेमेंट करने के 4 बेनिफिट बताऊंगा जो कि आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों जब भी आप अपनी ईएमआईस को हर महीने टाइम पर पे करते हैं तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर बिल्ड होता है, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको लोन आसानी से और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं। जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको कोई भी क्रेडिटर लोन देने से घबराएगा नहीं, आपका एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा होने से आप क्रेडिटर की नजर में काफी अच्छे इंसान होते हैं कि आप उनका पेमेंट टाइम पर कर देंगे और आप पास्ट में भी सारे पेमेंट टाइम पर कर पाए। तो ऐसा करने से आपका क्रेडिट स्कोर तो अच्छा होता ही है और आपको लोन आसानी से मिल जाता है, बड़े अमाउंट का लोन आपको मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट काफी कम रहते हैं। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है कि अगर आप अपने ईएमआई को टाइम पर पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको फाइन वगैरह नहीं लगते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब भी आप अपनी ईएमआई को या कोई पेमेंट चाहे आपके क्रेडिट कार्ड की हो या किसी भी चीज की हो आप टाइम पर नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको फाइन देना पड़ता है और आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगता है। और आपको एक बात बता दूं कि जो क्रेडिटर होते हैं आपके, जब किसी से भी आप लोन लिया है आपने ईएमआई पे, उनको अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी, कि वो आपके द्वारा लिए गए प्रोडक्ट को सीज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने कोई कार ईएमआई पे ली या फिर आपने कोई बाइक ईएमआई पे ली और आप उसका टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गया तो वो आपकी बाइक को सीज कर देंगे या ले लेंगे। आप अगर लगातार ये डिफॉल्ट करते आ रहे हैं तो ऐसे में आपके उस प्रोडक्ट को भी सीज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पर फाइन, इंटरेस्ट और बाकी चार्जेस तो लगते ही लगते हैं। तो अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो आप इन सब चार्जेस से बच सकते हैं। दोस्तों तीसरा बेनिफिट है कि जब भी आप अपनी सारे ईएमआई को टाइम पर पे करते हैं तो क्रेडिट स्कोर तो आपका अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ आपके क्रेडिटर की नजर में जहां से भी आपने लोन लिया हुआ है, कोई प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है, उनकी नजरों में आप एक अच्छे इंसान होते हैं। तो ऐसे में वो आपको एड ऑन लोन भी दे देते हैं, अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर लोन भी मिल सकते हैं, जैसे कि आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन और भी लोन आपको मिल सकते हैं, आपको एड ऑन लोन मिल सकता है। दोस्तों चौथा बेनिफिट है कि जब भी आप अपनी ईएमआई को टाइम पर पे करते हैं तो ऐसे में आपके क्रेडिटर, आपके लेंडर आपसे खुश रहते हैं। तो ऐसे में वो आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स देते रहते हैं, चाहे वो आपकी लिमिट को इंक्रीज करने का हो, आपको शॉपिंग कार्ड देने का हो, चाहे आपको गिफ्ट वाउचर देने का हो, अलग अलग तरह के ऑफर आपको मिलते रहते हैं। आपके लेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन से ऑफर कब दे रहे हैं। बजाज फिनसर्व भी आपको इस तरह के ऑफर देते रहते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप टाइमली अपनी सारी ईएमआई को रीपेमेंट करते हैं तो। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी ईएमआई को टाइम पे पेमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियली प्लानिंग करनी चाहिए और आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग से मेरा मतलब था कि जितनी आपकी इनकम पर मंथ होती है आपकी जो ईएमआई की कीमत होती है वो उसके 50% से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो आपकी वो चल रही ईएमआई वो 30-40,000 की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50,000, उससे कम ही आपकी ईएमआई चल रही होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि आपको जो है डिसिप्लिन रहना चाहिए जब भी आपके ऊपर ईएमआई चल रही है। मान लीजिए कि आपने 12 मंथ की टेन्योर के लिए एक ईएमआई चल रही है आपकी, तो आपको उस टाइम पे अपने खर्चे कम कर देने चाहिए, आपको बेफिजूल के खर्चे नहीं करने चाहिए और अपनी ईएमआई को हमेशा टाइम पर पे करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वक्त पर टाइम पर ईएमआई पे नहीं करेंगे आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा या मिलेगा तो बहुत हाई रेट में मिलेगा, बहुत कम अमाउंट का मिलेगा, इस तरह की दिक्कतें आपको आती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में यही था, मैं एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसको पढ़ के आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सिविल स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और बाकी जो मैंने फायदे बताए उनके बारे में भी जानकारी
ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।